डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट क्या होता है कि अगर हमने किसी एक्सप्रेशन को या नंबर को किस प्रकार से हमने उसको एसोसिएट किया है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, उसको क्या कहलाएंगे, डिटरमिनेंट कहलाएंगे। जैसे आपके पास ए आई जे कोई मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमने कैसे एसोसिएट करना है, वो एसोसिएट करना जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिटरमिनेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए DETA और ये आपके पास मॉडुलस साइन के अंदर ए डाल दिया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट में क्या होता है कि एक तो कंडीशन ये होती है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपने उसका डिटरमिनेंट निकालना है या वो डिटरमिनेंट बन सकती है तो उसकी कंडीशन एक यही है कि पहले तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसको डिटरमिनेंट नहीं कह सकेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट जब भी आप कहोगे तो उसका हम एक ही वर्ड बोलते हैं कि लेट अस टेक एन मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर टू। इसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर टू एन, ऐसा बोलने का मतलब है कि उसके अंदर रो और कॉलम क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये मैट्रिक्स देखी है, इसका ऑर्डर क्या है, एन बाय एन, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट्स ऑर्डर इज़ एन। आपको इस डिटरमिनेंट के अंदर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तरह से आपके पास डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, वेयर एज मैट्रिक्स क्या करती है, केवल हमने बोला था कि अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर और आइटम्स, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपके पास है ए, जिसमें एक एलिमेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स है ए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ ए। एक डिटरमिनेंट है आपके पास 2x2 ऑर्डर की तो उसके अंदर ए बी सी डी ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ ए बी सी डी, और इसका स्केलर वैल्यू निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि आप ए से डी इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, फिर उसमें से क्या कीजिए, बी और सी को माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक अगर आपके पास आपने कोई 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनानी है तो एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो अगर हम इसको वापस रिप्रेजेंट करें तो आपके पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये आपके पास सारे एलिमेंट डिटरमिनेशन फॉर्म में आ जाएंगे। अब बात आती है कि इसको आप एक्सपेंड कैसे करोगे। एक्सपेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको किसी भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो और किसी भी एक कॉलम के अलोंग। ये नहीं है कि भाई मैं ये बता रहा हूँ कि R1 के अलोंग करना है या C1 के अलोंग करना, आप किसी के भी अलोंग आप उसको कर सकते हो, लेकिन हम जनरली हम क्या करते हैं, इसको R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जिसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो वो एलिमेंट लेना है, ठीक है, और उस एलिमेंट वो जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उस रो और कॉलम को छोड़ देना है। जैसे मैंने लिया R1 के अलोंग, तो R1 में हमारे पास क्या आया, A1, इनको छोड़ने के बाद क्या बची, एक 2x2 की डिटरमिनेंट बची, तो B2, C2, B3, C3 माइनस, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, 1, 2, तो जो आपके पास ओड नंबर पे आएगा नंबर उसकी पोजीशन हमेशा क्या बनानी है आपने, नेगेटिव बनानी है। तो B1 और इसको और इसको छोड़ दिया तो क्या आ गया, A2, C2, A3, C3, फिर प्लस C1 क्या जाएगा आपके पास, ये रो और ये कॉलम छूटेगा तो क्या आएगा, A2, B2, A3, B3। ये आपके पास किसी भी डिटरमिनेंट को 3x3 की जो ऑर्डर की डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करने का एक तरीका है। फिर आपके पास आता है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस और कोफैक्टर्स क्या है कि आपके पास मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, इसका ऑर्डर है एन, शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई जे। तो डिटरमिनेंट ओमटेंड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। माइनर्स और कोफैक्टर्स जब भी आप निकालोगे किसी एलिमेंट के ही निकाले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं कि इसके एलिमेंट के माइनस निकालना चाहता हूँ तो A11 मतलब पहले रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसके अगर मुझे माइनस निकालने हैं तो उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देंगे,
जो एलिमेंट्स बचेंगे, जो डिटर्मिनेंट आपके पास बचेगी, उसको एक्सपेंड कर लेना, वो उसका क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा, उस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने निकाला है 1, 2 का माइनर, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, M से, कैपिटल M से, और उसके साथ में उसकी पोजीशन ज़रूर दिखाएंगे भी हमने कौन से एलिमेंट की उसकी पोजीशन निकालनी है। देन माइनर ऑफ A12 इस एलिमेंट की मैं निकालना चाहता हूँ माइनर, डिनोटेड बाय M12 से, एंड M12 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास कॉलम और ये रो छूट जाएगा, क्या आएगा, A21, A23, A31, A33, देखो यही चीज़ आई हुई है। तो आपके पास क्या है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपने माइनर निकालना है तो उस जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में बिलोंग करता है उसको छोड़ देना है, बाकी जो आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगी उसको आप एक्सपेंड कर लेना, वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, वो उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है, कोफैक्टर्स की जहाँ पे बात आती है, तो कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन ए इज द माइनर ऑफ ए आई जे, जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकालना है पहले उसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है, लेकिन साथ में क्या रखना है, विद साइन माइनस ए पावर में क्या जाएगा, आई प्लस में जे, जिस पोजिशन पे है आई प्लस में जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ए आई जे में जो पोजिशन होती है ना, तो उस पोजीशन की पावर को उसमें ऐड कर लेना है आई और जे को, फिर उसकी पावर देखना है कि यहाँ पे ये बस बात ये है कि अगर ये पोजीशन इवन है तो ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा, अगर ये पोजीशन ओड है तो ये नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे से, और माइनर्स कैपिटल एम आई जे से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, सो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस आई प्लस में जे पावर में जाएगा, माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी, आई प्लस में जे, और साथ में क्या आया, एम आई जे। ठीक है, सो ऊपर वाले एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ए वन टू का मेरे को कोफैक्टर निकालना है, तो ए वन टू माइनस पावर वन प्लस में टू एम वन टू, तो ये कितना हो गया, माइनस वन की पावर कितना हो गया, थ्री, तो माइनस वन की पावर थ्री, और जो माइनस आपके पास आया था वो तो सेम ही आना है। ठीक है, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा प्लस और माइनस का, कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बस वो ध्यान रख लेना कि आई जे अगर आपके पास इवन है तो पॉजिटिव आएगी, ओड है तो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस A21, A23, A31 और A33।